परवाही पड़ सकती है भारी। कोरोना की गाइडलाइन की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। सीधी जिले के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक कमरे में सामूहिक रूप से बैठकर काम किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने से यदि एक भी महिला संक्रमित हुई तो शहर की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक कमरे में सामूहिक रूप से बैठकर काम किया जा रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने से यदि एक भी महिला संक्रमित है तो शहर की हालत खराब हो जाएगी। ये लापरवाही भारी पड़ सकती है शासन एवं प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी। सीधी में कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक नुकसान हुआ है। वायरस से बचने के लिए नियम बनाए गए हैं जिसका हर नागरिक पालन कर रहा है। समाज में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक अलग पहचान होती है, लेकिन सीधी के आंगनबाड़ी केंद्र में एक कमरे में सामूहिक रूप से महिलाओं एवं कार्य योजना तैयार करने के लिए बैठाया गया है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो दूर सरकार की गाइडलाइन की धज्जियाँ भी उड़ाई जा रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समाज में एक अहम रोल अदा करता है। इन्हें घर घर पहुंचकर एक दूसरे से जुड़कर काम करना होता है। ऐसे में कोरोना की वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कार्य योजना बनाना इतना जरूरी हो गया है कि वैश्विक महामारी को दरकिनार कर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया गया है। और किस प्रकार की कार्य योजना? ये अपने गांव की है, पोषण आहार अंतर्गत है ये ग्राम स्तर। जी जी, श्री समुचित स्वास्थ्य एवं पोषण कार्य योजना से संबंधित है। वही सब आंगनबाड़ियाँ केंद्र की बना रहे हैं। सर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, सबको आस पास बैठी, लेकिन अब थोड़ा अनिवार्य है ये काम करना जी, तो विशेष परिस्थिति में कराया गया है। नहीं अच्छा, तो काम करना अनिवार्य, इसलिए ज़्यादा जरूरी है। ये देखिए ना, इतनी बड़ी कार्य योजना जी, अब कितना समझ नहीं आ रहा है। समझ रहे बात को, अब 15 पेज की है, अब इनको समझ नहीं आ रहा जी। आपका सुनना